वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। ब्लॉग का स्टार्ट तो हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हम जा रहे थे मेरी छोटी बहन को कहीं घुमाने के लिए। तो भाई वो जाने वाली है वापस अपने ससुराल। तो भाई एक दफ़ा तो कहीं ना कहीं घुमाना बनता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, तबीयत ठीक नहीं थी और बहुत ज़्यादा आगे पीछे मसाब चल रहे थे, तो हम उसको कहीं लेके नहीं गए। तो आज फाइनली लेके जा रहे हैं। तो अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि हम जाएंगे कहाँ। तो जो है ना, जहाँ भी जाएंगे तो मेरी प्यारी सी फैमिली तो साथ जाएगी। तो ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को दीजिए बहुत सारा प्यार। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी फैमिली, यहाँ पे हम निकल चुके हैं और अपने रास्ते पे गामसन है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम पहुँच चुके हैं कराची का सबसे सबसे बिगेस्ट मॉल, जो कि है लकी वन। तो बस एक यही प्लेस मिलता है कि आप आगे पीछे कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ पे इसकी अपीयरेंस देखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसे लगा। और जो है ये बहुत ही बड़ा मॉल है कराची का अभी तक का। और जो है इसमें आपको हर तरह की फ्रेंचाइजेस, सब तरह के आउटलेट, फूड कोर्ट और प्ले एरिया, सब कुछ ऑल इन वन अवेलेबल होता है। तो बस अब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे और फिर हम यहाँ से उतरे और गपशप हो रही थी, फैमिली टाइम हो रहा था भाई। और यहाँ पे इंटरवुड एंट्रेंस, और भाई यहाँ पर मेरी प्यारी सी फैमिली, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को हाई कर रही थी। और सॉरी मुझे इस वॉइस को बंद करना पड़ा क्योंकि पीछे हॉर्न का इतना ज़्यादा शोर था। तो मुझे लगा कि भाई मेरी जब प्यारी सी यूट्यूब फैमिली सुनेगी तो एकदम आवाज़ जो है ना बस लग रही थी कानों को, तो इसलिए मैंने वहाँ ऑफ कर दिया। और यहाँ एंटर होते ही हम पहुँच चुके थे मिनीसो पे। और मैंने कहा कि भाई यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी डील्स ऑफर्स आई हुई थी तो आप सबको तो दिखाना बनता है। तो जो मिनीसो लवर्स हैं तो दौड़ के पहुँच जाएँ और अपनी जो है पसंद के फेवरेट आइटम ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत टाइम अवेलेबल नहीं होता, वीक में चेंज होता रहता है। और यहाँ की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती हैं, मैंने पहले भी काफ़ी कुछ यहाँ का यूज़ किया। और यहाँ के स्टफ़ टॉय, ओहो मेरा तो दिल था ये सब बाय कर लूँ। और मैं जिसको हाथ लगाती थी इसके बाबा खेंच के पीछे, नहीं लेना है, नहीं छेड़ना है, मत हाथ लगाओ, मत टच करो। तो भाई किस किस के हस्बैंड ये सब करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फैमिली, मुझे जो अभी आप लोगों ने स्ट्रेनर देखा, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। और ये इतनी प्यारी कैट्स थी और इतनी सॉफ्ट थी। और ये टैडी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे किसी ने लेके ही नहीं दिया। आप बताएं कितनी बुरी बात है ना, मैं अब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो लूँगी। आप बताना पांडा अच्छा है या बेयर अच्छा लग रहा है, टैडी अच्छा लग रहा है या पांडा। और जो है यहाँ पे बच्चों की भी बहुत अच्छी कलेक्शन मौजूद थी, यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस मौजूद थे। और जो बच्चों के न्यू कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखें ये पूरा जो है ना पज़ल बनी हुई थी इसकी। और यहाँ पे जो है ना मेरी बहन और मेरी बेटी जो है मिल के डिसाइड कर रहे थे कि भाई हम क्या लें क्या लें क्या लें, और आगे चल के हम देखेंगे कि उन्होंने क्या बाय किया। और यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी सी जी, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त लेगो थे और इतनी वैरायटी थी इसमें कि बेबहा। और ये बहुत अच्छे से मैट्स थे और कलेक्शन इनकी बहुत अच्छी है अगर आप लेना चाहो। प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल होते हैं, कहीं कहीं कुछ हाई होता है, तो फैमिली कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा कभी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। और मुझे पर्सनली ये शॉप बहुत पसंद है। और जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, आप यकीन करें अभी फ़ैन ऑफ किया हुआ है सिर्फ अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए कि अच्छी सी रिकॉर्डिंग हो जाए। बट इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और इतनी ज़्यादा जो है ना एग्जॉस्ट हो रहा है रूम के, समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, जब आप मेहनत करते हो, जब आप किसी के लिए दिल से कुछ करना चाहते हो तो ही अल्लाह ताला आपको फल देता है। क्यों भाई, आप लोग भी इस बात को मानते हैं ना, तो मुझे हाँ ज़रूर या यस ज़रूर लिखिएगा। तो बस इसी तरह आप सब अपना बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, मेरी प्यारी सी फैमिली मुझे इतनी अच्छी अच्छी जगहों से देख रही है और इतना भरपूर प्यार दे रही है। मैं तहे दिल से आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही मुझे आप सब कमेंट्स में अपना प्यार देते रहिएगा।
अल्लाह ताला आप सबको भी बहुत सारा कामयाब करे, आमीन। और यहाँ पे देखो मैं आपको कैटल दिखा रही हूँ ना, ये ब्लैक और वाइट में थी, आप लोग बताना कौन सी अच्छी है दोनों में से। और यहाँ पे स्प्रिंग्स, ये भी मुझे हेयर टाई के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना फैमिली मुझे कुछ क्लिप्स देखे थे, ये अगर कोई पार्लर का काम जानता होगा ना तो शायद वो जज कर ले, बड़े अच्छे थे। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पार्लर में ज़्यादा यूज़ होती हैं एक्सेसरीज, वो ही रखी हुई हैं। तो मैंने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो मेरी बहुत सी ऐसी बहनें या भाई जो देख रहे हो तो अगर उनके लिए हेल्पफुल हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो बस यहाँ पे अब हम बिलिंग करवा रहे थे और यहाँ पे हो रहा था हमारा बिल, और ये रहा बस मिनी फैमिली हम लोग सो। पहुंच चुके हैं लकी वन, ठीक है, डिसाइड यही हुआ। अभी हमने मिनीसो का विजिट किया है और अब हम जा रहे हैं एक और शॉप पर, तो आपको भी लेके चलते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं जबरदस्त से आउटलेट, एक तो आपने मास्क उतार दिया है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा फेवरेट ब्रांड सैमसंग। तो भाई हमें सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, किसी को नहीं दिखाना है। हाँ वहाँ पे इतनी प्यारी, यहाँ से दिखाती हूँ सामने में आपको, बस बच्चों जा रही है बस, यहाँ से देखते हैं ये आ गई। तो ये रही प्यारी सी बस, बाय बाय। तो बस फैमिली अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जाफर चीज, द बेस्ट आउटलेट फॉर मेन वोमेन। आप अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने फादर को, अपने समवन स्पेशल को, अपने फ्रेंड को, अपने टीचर को, किसी को भी अगर आप गिफ्ट देना चाहते हो तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको मैं कोई शॉप रिकमेंड नहीं कर सकती। बहुत अच्छी है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर आप बहुत ही अपने क्लोज वन को देना चाहते हो तो बहुत बेहतरीन है। और जो है बस यहाँ पर हम कुछ देख रहे थे, हमने कहा कि चलो भाई जब नज़रों के सामने आई है तो क्यों ना विज़िट भी कर लिया जाए और प्यारी सी फैमिली के लिए शूट भी कर लिया जाए। तो भाई अब विज़िट तो नाम है घूमने का, बस अपनी प्यारी सी फैमिली को दिखाना होता है। और फैमिली यहाँ पर की चेन्स और वॉलेट वो लोग नाम लिख के देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरी प्रिंसेस बन गई थी सेल गर्ल, तो देखो उस टाइम में क्या क्या सेल किया। क्या दिखा रही है हमें शॉपिंग में, ये किचन दिखा रही है। थैंक यू मैम, बाय बाय कर दे, बाय। तो भाई यहाँ पर आपने देखी ज़बरदस्त सी बस, और बच्चे कर रहे थे बहुत ज़्यादा एंजॉय और मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए शूट कर रही थी। तो यहाँ पे इतनी प्यारी ये डॉल किचन थी, मुझे फैमिली बहुत अच्छी लगी। और ये जो अभी आ रही है ना बॉटल वाली भी, ये जो टॉप पे लास्ट में, ये भी बहुत अच्छी थी। और ये क्या ही ड्रेस था, ओहो ये जो साड़ी है ना, दिल कर रहा था बस उसी टाइम पहन लूँ, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। और बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, समर फेस्टिव कलेक्शन थी, बहुत ज़बरदस्त थी। स्टिच अनस्टिच दोनों अवेलेबल थे। और ब्रांड पता नहीं यहाँ पे कैप्चर हो सका है या मैं भूल गई हूँ, बोनांजा, नहीं, सॉरी बोनांजा नहीं है, इसका ब्रांड कुछ और है, शायद मिस आउट हो गया, आप देख लीजिएगा अगर आप लोगों को शो हो जाए तो वेल एंड गुड। और यहाँ पर हम आए थे बोनांजा के आउटलेट पे, क्योंकि जो है यहाँ से लेना था एक परफ्यूम। तो बस जी यहाँ पे पसंद कर रहे थे हम कौन सा अच्छा है, और मुझे एक बहुत पसंद था पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं अवेलेबल था, आउट ऑफ स्टॉक था। और यहाँ पे फिर पिया हमने ज़बरदस्त सा जूस। और फैमिली ये लकी वन में बहुत 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 ज़बरदस्त आउटलेट था, और ये मेरे ख्याल थर्ड फ्लोर पे है आई थिंक सो। और यहाँ से आप इनके ड्रेस से मेंशन कर सकते हैं, और ये था जूस स्टेशन के नाम से। तो आप लोग लकी वन जाएँ तो ज़रूर ज़रूर विज़िट कीजिएगा, यहाँ पर बहुत यमी था, बहुत ज़बरदस्त था। और फिर आ गया OPTP, और ये मेरी प्रिंसेस ने जो है बहुत रिक्वेस्ट करके अपने बाबा से मंगवाया कि मुझे ये खाने का बहुत दिल है। तो मैंने कहा भाई खाओ खाओ कोई बात नहीं है, पर मुझे पहले शूट करने दो। तो मैंने जल्दी से जो है ना
उससे ले लिया इससे पहले कि खा पी के वो ख़त्म कर देती हैं। और मैंने फटाफट यहाँ पर आप लोगों के लिए शूट किया, और ये मिनी फ्राइज़ बॉक्स था उन लोगों का, और ये डील चल रही है उनकी कुछ 399 रुपीज़ की, तो भाई बनते तो 400 हैं, पर चलो 399 कह के दिल को 3 पे अटकाए रखें। तो ये बहुत जो है ना शार्प माइंडेड लोगों की टेक्निक्स होती हैं, तो भाई कोई बात नहीं। पर इनका फैमिली फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये इनका जिंग था मिनी शॉटगन था, और ये नॉर्मल था, स्पाइसी में नहीं था क्योंकि गुड़िया ने खाना था। पर इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और बहुत फुलफिल होता है, मतलब आप ये खा के बहुत हेल्दी फील करते हो, ऐसा नहीं लगता कि यार हमने तो कुछ खाया ही नहीं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, दीजिएगा बहुत 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 सारा प्यार, और प्लीज़ मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर किया करें। और भाई जो थोड़े बहुत से लोग रह गए हैं अभी भी, तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो मैं आप सबसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।